वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी दिल्ली सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि केजरीवाल सरकार में सत्येंद्र जैन जब मंत्री भी नहीं थे तब से करोड़ों का व्यापार कर चुके थे। दिल्ली में 200 बीघा जमीन भी उन्होंने ले ली थी, इसलिए सच को दबाया जा सकता है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। अनिल चौधरी ने कहा केजरीवाल अपनी पार्टी से अगर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करेंगे तो क्या जेल से अब आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चलाएगी। देश के ज्वलंत मुद्दों पे प्रश्न पूछना, उसके बाद निजी हमले करा देना नेताओं पर, किसी की शिकायत में नहीं, 100 मोटो लेकर के रेड डाल देना, अंतर है सत्येंद्र जैन की कार्रवाई में और उसमें अंतर है। ये हिम्मत, ये मादा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं में है कि वो देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ये सत्येंद्र जैन पंजाब के चुनाव के दौरान ही सलाखों के पीछे होते। लेकिन जो आदमी भ्रष्ट करप्ट हो, माफ करिएगा, कानून फिर भी जिंदा है, अच्छे लोग आज भी हैं, अच्छाई आज भी है, और यदि ईमानदार अफसर आज नहीं होंगे तो सत्येंद्र जैन से जैसे व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सकता, और यदि ऑनेस्ट और ईमानदार और जो देश की बात करने वाले लोग यदि आज देश में ना हो तो शायद सरकारों से प्रश्न ना पूछे जाएं। इसलिए दुरुपयोग होना अलग चीज है और कार्रवाई करना, ईमानदारी से कार्रवाई करना ये अलग बात है। तो जो कार्रवाई हुई है ये सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे हुई है, भाजपा के विरोधी पे नहीं हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।